Assalamualaikum guys, this is Tukir Abbas from Computer Science Information Technology channel. I hope you are good and doing good. Today we are going to do a simple program on ATM. Simply you can say that a simple ATM program. And without wasting your time, let's start. Jaise ke aap dekh rahe hain ki aaj hum ek switch statement pe examples kar rahe hain. Aur pichli videos mein humne simple switch case statements pe example ki thi, to आज भी हम एक प्रोग्राम लेके आए हैं, सिंपल एटीएम प्रोग्राम है। तो टाइम ज़ाय किए बगैर हम स्टार्ट लेते हैं। उसी तरह आप लाइब्रेरी लिखें, लेट्स स्टार्ट गाइस। असल हम मेन में आ चुके हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि गाइस हम डेटा टाइप इंट देते थे। ज़्यादातर हमने प्रोग्राम में डेटा टाइप इंट रखा है। आज यहाँ पे हम फ्लोट रखते हैं, क्योंकि आपको पता है कि एटीएम मशीन में सबसे पहले ये होता है कि हमारे पास जहन में हमारे आता है कि अमाउंट होगी, कोई क्रेडिट अमाउंट होगी, कोई डेबिट अमाउंट होगी। तो इसी तरह हम तीन को डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट और एक अमाउंट का वेरिएबल ले लेंगे, जो कि हम फ्लोट से लेंगे। आपको पता है कि फ्लोट क्यों ले रहे हैं, कि हमारे पास अमाउंट डेसिमल वैल्यूज़ में भी होती है, ठीक है। तो इसीलिए हम एक वेरिएबल अमाउंट का ले लेंगे, एएमटी हम उसको कह रहे हैं। और हमारे पास एक क्रेडिट अमाउंट भी होता है, जिसको हम क्रेडिट एएमटी ले लेंगे। और एक हमारे पास डेबिट एएमटी भी होता है, ओके। तो हम एक आज एक करैक्टर भी लेंगे। जैसा कि करैक्टर हम क्यों लेंगे, सपोज़ के स्टूडेंट, जब मैं क्रेडिट कि केस पे जब जाऊंगा, स्विच में करेक्टर एक्सप्रेशन दूंगा, वहाँ पे मैं क्रेडिट का सी दूंगा, डी को डी से एक करेक्टर लूंगा, तो वो मुझे डेबिट पे केस पे ले जाएगा, सी का क्रेडिट पे ले जाएगा। मैं केस वन केस टू भी दे सकता हूँ, लेकिन जैसे जैसे मैं प्रोग्राम करता रहूँगा तो आपको समझ आ जाएगी। तो जल्दी जल्दी बस करते हैं टाइम ज़ाय किए बगैर। तो यहाँ पर आप गाइस देंगे कि इंटर द इनिशियल अमाउंट, और एक लाइन भी छोड़ देंगे आप। और गाइस आपको मैंने बताया था कि यहाँ आप क्या कर सकते हैं कि स्लैश एन से भी कर सकते हैं, यहाँ पे एक लाइन छोड़ने के लिए। यहाँ पे बहुत ज़्यादा हमने लाइन छोड़नी होती है एक ही एक्सप्रेशन के अंदर, वहाँ पे हम स्लैश एन यूज़ करेंगे। तो आप अमाउंट, यूज़र से अमाउंट भी ले लेंगे, ए एम टी ले लिया आपने अमाउंट। और यहाँ पर आप देखें कि हम इंटर करेंगे, इंटर करेंगे और स्लैश एन एक लाइन छोड़ेंगे, और मैं लिखूंगा कि सी फॉर क्रेडिट अमाउंट, ओके, क्रेडिट सी फॉर क्रेडिट। और यहाँ पे एक लाइन छोड़ूंगा। फिर मैं क्या करूंगा गाइस, कि डी फॉर डेबिट, डेबिट अमाउंट, और एक लाइन छोड़ूंगा गाइस, और बी फॉर बैलेंस। और बैलेंस भी मैं चेक करूंगा एटीएम मशीन का। एटीएम मशीन में कभी कभी हम जाते हैं तो हम अपना बैलेंस भी चेक करते हैं। तो यहाँ पर हम एन स्लैश एन दे दूंगे, आखिर मैं एंड लगा के लाइन छोड़ दूंगा। तो आप क्या करेंगे गाइस, कि यहाँ पे मैं एक सी एच करेक्टर यूज़र से ले रहा हूँ, ओके। अच्छा, असल चीज़ होती है स्विच स्टेटमेंट। अब आप आ जाएँ स्विच स्टेटमेंट पे। आप देख सकते हैं कि स्विच मैं लगाता था, स्विच कीवर्ड लगा के उसके अंदर मेरा होता था एक्सप्रेशन। तो यहाँ पर मैं एक्सप्रेशन यही ले रहा हूँ, जो सी इन से मैं ये ले रहा हूँ एक्सप्रेशन सी एच। तो सी एच मैंने ले लिया। यहाँ पे मैं क्या करूँगा गाइज, कि आप यहाँ पे आप केसेस करते हैं स्विच स्टेटमेंट के अंदर, हमेशा केसेस होते हैं। और जहाँ आज हम केस टू में या इस तरह एक इफ़ एल्स का भी करेंगे, क्योंकि आगे आप देखेंगे कुछ तो आपको समझ आ जाएगी। तो आप देखेंगे केस सी में करूँगा, केस सी होता है फॉर क्रेडिट, तो इसको मैं सिंगल कोटेड कॉमास के अंदर लगा दूँगा सी। और यहाँ पे आप सिंटेक्स लगा देंगे, ये सिंटेक्स होता है। अभी आप देखेंगे कि सी आउट मैं क्या करूँगा, इंटर क्रेडिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट, और एक आप लाइन छोड़ देंगे, ओके। और यहाँ पे आप क्या करेंगे कि सी इन से क्रेडिट अमाउंट ले भी लेंगे, जो ऊपर के मैंने वेरिएबल डिक्लेयर किया था, ओके। अच्छा, आपने यूज़र से क्रेडिट अमाउंट ले ली। अब आप क्या करेंगे,
यूज़र को आप अमाउंट जो आपकी टोटल अमाउंट होगी, एक तो अमाउंट आप 5000 सपोज के प्रोग्राम रन हुआ है वो उसमें मैंने 5000 की अमाउंट ले ली, यहाँ पे अब मैं क्या करूँगा कि AMT इज़ इक्वल टू AMT अमाउंट जो मेरे पास है वो अमाउंट और मेरी जो क्रेडिट अमाउंट, सपोज़ कि मैं बैंक में जाता हूँ मेरे पास टोटल 5000 है, सपोज़ के स्टूडेंट्स मैं क्या करता हूँ कि मैं 2000 या इस तरह की अमाउंट देता हूँ या निकालता हूँ, तो कुछ मेरे पास 5000 की अमाउंट होगी, उसके अंदर मैं टोटल अमाउंट आप करूँगा कि मेरे पास क्रेडिट अमाउंट क्या होगी। तो सपोज़ कि मैं क्रेडिट अमाउंट को यहाँ के अंदर उसको प्लस कर दूँगा उसके अंदर, तो मेरे पास एक अलग से टोटल अमाउंट आ जाएगी। वहाँ पे आप देखेंगे सी आउट करके आप डिक्लेयर कर देंगे AMT को, यहाँ पे टोटल अमाउंट आपके पास आ जाएगी, यहाँ आप डिक्लेयर कर देंगे। ओके, यहाँ पे आपने इसको AMT को कर दिया। पीछे आप कोटेड कॉमास में लिख भी देंगे कि ये मैं क्या कर रहा हूँ। आप देखेंगे कि ये मेरी न्यू अमाउंट आ जाएगी, न्यू अमाउंट, और ये आप इधर डिक्लेयर हो गए। अच्छा, आपने गाइज यहाँ पे बिल्कुल नहीं भूलना कि यहाँ मैं ब्रेक भी करूँगा। आपने सपोज़ कि मैं रन प्रोग्राम कर रहा हूँ उसमें मैंने सी दिया, मीन्स मैं सी को चूज़ कर रहा हूँ। ओके, तो मुझे इस केस पे ले आया, यहाँ पे क्या करूँगा कि 5000 को अमाउंट मैं डाल रहा हूँ और मैं क्रेडिट अमाउंट ले रहा हूँ। सपोज़ मैं 5000 क्रेडिट अमाउंट ले रहा हूँ, अब वो जो अमाउंट मैंने पहले की अमाउंट ली हुई है वो अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट प्लस हो के एक न्यू अमाउंट मुझे मिल जाएगी और उस केस को मैं ब्रेक कर दूँगा। सपोज़ कि मैं केस डी पे जाना चाहता हूँ, अब आप केस डी पे जाना चाहते हैं सिंगल कोटर लगा के डी, और ये सिंटेक्स होते हैं। सी आउट करेंगे आप, और आप करेंगे स्टूडेंट गाइस के इंटर द डेबिट अमाउंट और एक लाइन आप छोड़ देंगे, और आप इधर सी इन करके और डेबिट अमाउंट आपने सी इन से भी ले लेनी है। यहाँ पे आप सीधा सीधा कॉपी मारो, टाइम जाए किए बगैर कॉपी मारा, ये हो गया। तो अभी आपके पास क्या होगा कि अगर स्टूडेंट यहाँ पे मैं एक कंडीशन लगाऊंगा कि इफ़ कंडीशन लगाऊंगा, क्यों लगाऊंगा कि मैं जो अमाउंट ले रहा हूँ, सपोज़ गाइस कि मैंने अमाउंट ली 5000 और वो मेरी ग्रेटर आर इक्वल टू डेबिट अमाउंट की है, अगर मेरी वो अमाउंट डेबिट अमाउंट से ज़्यादा है या उसके इक्वल है तो वो मुझे सिंपल वो अमाउंट जो मेरी होगी तो उसके अंदर जो अमाउंट मैं ले रहा हूँ AMT माइनस डेबिट अमाउंट, ओके, ये मेरी एक और मेरी न्यू अमाउंट मिल जाएगी। जहाँ पे आप सी आउट करोगे न्यू अमाउंट, जैसे जैसे प्रोग्राम को हम रन करेंगे तो आपको समझ आएगी कि इसका असल ये किस तरह अमाउंट आई है और किस तरह हम कर रहे हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि अगर मेरी अमाउंट लेस होती, अगर मेरी अमाउंट लेस होती तो आप देख सकते हैं कि मुझे अब किस कंडीशन पे ले जाएगा। इफ़ एल्स के अंदर आपको पता है कि इफ़ के अंदर मैं अगर कंडीशन दे रहा हूँ और वो मेरी सेटिस्फाई नहीं कर रही कंडीशन, तो आप क्या करोगे कि एल्स की कंडीशन दे दोगे। यहाँ पे मैंने सपोज कि एल्स की कंडीशन दे दी, ओके, ये आप देख सकते हैं कि एल्स यहाँ पे आप दे के एल्स कंडीशन आपने दे दी, तो एल्स में क्या दोगे आप, एल्स में सिंपल आप दे दोगे कि This is insufficient balance या input simple time जाए किए बगैर simple सीधा आप लिख दें कि insufficient balance। और आप नीचे क्या करोगे कि जो भी केस होता है, आप suppose कि जो भी केस ले रहे हो उसको break करना मत भूलिएगा। यहाँ पे आपके एक पूरा केस डी केस चल रहा था, उस डी केस के अंदर आपने if else भी यूज़ किया, स्विच आपने स्विच करना है सी से, जैसे कि आपको सी केस नहीं मिला आप स्विच कर गए डी पे, आपने स्विच किया उसके अंदर आपने इफ़ कंडीशन लगाई, इफ़ कंडीशन आपका अमाउंट आपको ग्रेटर है डेबिट अमाउंट से, और आपने आपका इफ़ कंडीशन आपकी सर्टिफाई नहीं करी, आप एल्स पे आओगे, एल में आपको इनसफिशेंट इनपुट मिलेगा और वो आपको ब्रेक करना होगा। सपोज के लास्ट में स्टूडेंट मैं क्या करता हूँ, केस मेरा है बैलेंस का, सपोज मैं ATM मशीन जाता हूँ और वहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि बैलेंस चेक करता हूँ अपना। क्या करोगे बैलेंस के लिए, आपने क्या करना है कि सी आउट और यहाँ पे आप दे दो कि अमाउंट इन, आपके अकाउंट में अमाउंट कितनी होगी, अमाउंट इन योर अकाउंट। आप अपना बैलेंस चेक करने चाहते हो ATM मशीन में जाके, तो सिंपल आप AMT डिक्लेयर कर दोगे और इस केस को ब्रेक कर दोगे। अच्छा,
सपोज आपने पढ़ा था कि अगर मैं तीन केसेस हैं मेरे पास और तीनों के तीनों सेटिस्फाई नहीं हुए तो मेरे पास एक डिफॉल्ट का केस आएगा। डिफॉल्ट के केस में आपने क्या करना है, डिफॉल्ट के केस में सिर्फ सी आउट करके आपने क्या करना होता है, आपने तीनों केसेस आपको नहीं मिले, आप क्या करते होते हो कि आप करते हो इनवैलिड इनपुट, आपने इधर इनवैलिड इनपुट कर देना है। ठीक है, इनवैलिड इनपुट कर दिया और यहाँ पे आपने प्रोग्राम कर दिया ख़त्म। अच्छा गाइस लेट्स सी कि हम इसको रन करके देखते हैं कि हमारा आउटपुट क्या आता है। मैं चाहता हूँ कि कुछ एरर्स भी आएँ और आप समझ भी आए आपको कि एरर्स आनी चाहिए, लेकिन मुझे नहीं लगता कोई एरर आएगी, प्रोग्राम बिल्कुल सही किया है। देखते हैं लेट्स सी। तो मैं एटीएम के नाम से फाइल भी सेव कर देता हूँ, डेस्कटॉप पे सेव कर दी मैंने। गाइस आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एरर क्यों दे रहा है, यहाँ पे एरर इसलिए दे रहा है कि ये देखें आप, ये मैंने पैरेंथेसिस यहाँ पे लगाई और यहाँ पे पैरेंथेसिस नहीं लगाई। ये बहुत ज़रूरी होता है कि आप इफ़ एल्स में अगर एक बॉडी दी है, इफ़ एल्स की आपने बॉडी दी, उसको अगर आपने क्लोज नहीं किया तो आपको बिल्कुल ये एरर देगा। लेट्स सी फिर देखते हैं, यहाँ पे आप देखें एक ज़्यादा हमारे पास आ गई। आप यहाँ पे चेक करोगे, आप यहाँ पे प्रेस करोगे, ऊपर जाके देखोगे स्टूडेंट, यहाँ पे आपको ये मिलेगी, ये देख रहे हैं आप। और एक जो इसको देखोगे, फिर आप देखोगे ये वाली मेरी कहाँ पे आ रही है, ये स्विच केस की है। ठीक है, दो हमें मिल गए, एक मेन की है और एक हमारी स्विच की है, ये आप ज़रूर चेक किया करें। इसके अलावा अगर ज़्यादा है तो उसको ख़त्म कर दिया करें। लेट्स सी देखें आपका कि हमारा प्रोग्राम रन कर गया, रन हो गया। यहाँ पे मैं सपोज मेरे पास बैंक में जाता हूँ, मेरे पास 5000 इनिशियल अमाउंट है, 5000 अमाउंट है। आप क्या करते हो कि सी फॉर क्रेडिट, डी फॉर बैलेंस। अच्छा स्टूडेंट मैंने ऊपर इधर ये एन नहीं दिया, यहाँ पे आप क्या करोगे एन लगाओगे और यहाँ पे मुझे ये भी बताएगा कि बी फॉर बैलेंस। मैं दोबारा से रन करता हूँ, ये अच्छा आप अच्छा दिखने के लिए, ये एक प्रोग्राम की अच्छी टेक्निक होती है कि सामने वाला जब देखे कि प्रोग्राम को रन किया उसकी टेक्निक अच्छी हो, उसको दिखने में अच्छा लगे। मिक्स हुआ वो प्रोग्राम बिल्कुल समझ ना आए फिर वो उसका फ़ायदा नहीं होता। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सी फॉर क्रेडिट, बी फॉर डी फॉर डेबिट एंड बी फॉर बैलेंस। सपोज स्टूडेंट्स मैं अपना क्रेडिट चेक करना चाहता हूँ, क्रेडिट मैंने चेक करना चाहा, सपोज मैं 5000 दे रहा हूँ, तो आपने देखा था कि क्रेडिट में इफ़ कंडीशन मैंने दी थी कि इफ़ अमाउंट इज़ ग्रेटर दैन आर इक्वल टू डेबिट अमाउंट या क्रेडिट अमाउंट मैंने दिया था। तो वहाँ पे आप देखेंगे कि मैं सी को चूज़ करता हूँ, सी मैंने प्रेस किया और इंटर क्रेडिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट सपोज मेरे पास 2000 है, तो मेरी न्यू अमाउंट जो हो जाएगी वो 7000 हो जाएगी। सपोज स्टूडेंट आपके पास क्रेडिट, आपके पास आपने 2000 जमा करवाना है बैंक में जाके, आपके पास 5000 इनिशियल अमाउंट, आपने सी किया प्रेस किया और आपके पास जो अमाउंट इज इक्वल टू अमाउंट प्लस क्रेडिट थी। और यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, देखें यहाँ पे मैंने एक कंडीशन दी थी कि सी ने मैंने क्रेडिट अमाउंट ले ली थी, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अमाउंट इज इक्वल टू अमाउंट प्लस क्रेडिट अमाउंट, यहाँ पे आपकी नई जो अमाउंट होगी वो आपकी क्रेडिट अमाउंट में जमा हो जाएगी। सपोज मैं इनिशियल अमाउंट ले रहा था 5000, उसमें क्रेडिट अमाउंट मैंने ले ली 2000, तो उसमें जब जमा होगी तो वो 5000 हो जाएगी। यहाँ पे आप स्टूडेंट देखेंगे जब डी का केस मैं दूंगा तो मेरे पास 5000 जब इनिशियल अमाउंट होगी तो आप देखेंगे कि डेबिट अमाउंट में जो 2000 दूंगा तो वो माइनस होकर 3000 हो जाएगी। तो ये आप बैंक में जाते होंगे आपको अंदाज़ा होता होगा, सपोज 5000 दिया, अच्छा मैं डेबिट चेक करने जो डी आप करोगे, यहाँ पे आप डेबिट अमाउंट देखो 2000, आपने डेबिट अमाउंट निकालनी होती है ना, तो 2000 आपने निकाला है 5000 में थे, तो इसका आपका क्या प्रोग्राम क्या देगा आपको 3000। तो ये देखें आपने 5000 आपके पास थे, आप बैंक में गए, आपने बैंक में 2000 निकाला, तो आपको कितने बच गए, आपको 3000 बच गया। सपोज स्टूडेंट आप बैंक जाते हैं, आप कोई पैसे नहीं निकलवाते, आप अपना बैलेंस चेक करना चाहते हैं, तो सपोज़ मैं चाहता हूँ कि भाई मेरे पास बैलेंस था कोई 10000, अच्छा 10000 आपके पास बैलेंस है, आप क्या करोगे, यहाँ पे आपने बैलेंस चेक करना है, तो आप क्या करोगे बी प्रेस करोगे, सीधा सीधा केस आपको बी पे ले जाएगा। क्यों, केस थ्री मैंने दिया था कि बी भाई मुझे क्या करो बैलेंस दिखा दो, ओके मैंने बी प्रेस किया तो मुझे क्या कर दिया उसने, अमाउंट इन योर अकाउंट 10000, तो मुझे आप देखेंगे 10000 का बैलेंस दिखा दिया। सपोज स्टूडेंट के मेरे पास इन तीनों केसेस में कोई केस नहीं है, मैं क्या करता हूँ, अच्छा 5000 दे दिया, सी ना डी ना बी मेरे पास कोई भी केस नहीं है, सपोज मैं जी दे देता हूँ, मुझे क्या करेगा इनवैलिड इनपुट,
तो मुझे डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट पे ले गया। जैसा कि स्टूडेंट आपने देखा कि मैंने आपको प्रोग्राम बहुत अच्छे तरीके से समझाया और इसकी लॉजिक भी आपको समझ आ जाए आ गई होगी, और आप देख सकते हैं कि इसकी लॉजिक क्या थी, वो इजी लॉजिक है। और चैनल को सब्सक्राइब किया करें क्योंकि पिछली वीडियोस आप देखा करें वो रिलेट करती हैं चैनल के साथ, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, अपने दोस्तों से शेयर करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।